नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछु मु बापी खबर आरंभ करिबा से बड़ खबर रु गतकाली पुलवामा ठारे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण रे 42 जन जवान को शहीद घटना सारा देश को स्तब्ध कर दिछि आ समग्र भारत रे खेली जाइछि शोकाकुल परिवेश एपर कि प्रतिटि घटना को नै राजनीति करथुवा राजनीतिक दल आज एक होइछन्ति आतंकवादी मुकाबला पई शासक विरोधी कांध को कांध मिलाई भारतीय सेना को सर रहिछन्ति बोली देखिबा को मिलिछि पुलवामा रे जेउ भली भाबे आत्मघाती विस्फोरण रे 42 जन सीआरपीएफ जवान देश बलिदान देती ताहा व्यर्थ जीवनी बोली कहते विभिन्न राजनैतिक दल आग को निर्वाचन थिले को बाद दे जवान और केन्द्र सरकार सहित ढड़ा होती विभिन्न जातीय और आंचलिक राजनैतिक दल जनक पर जड़े केन्द्र सरकार को साथ मर्मरे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहते मर्मरे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहते केन्द्र सरकार जहाँ निष्पत्ति ने कांग्रेस ताक समर्थन जन जो माने भारतर आत्मा उपरे आक्रमण करिछंती तहार दृढ़ जवाब दिया जिवो केवल कांग्रेस नुहे विभिन्न राज्यर आंचलिक दलगुड़िक एवं केन्द्र सरकार एवं जवान मानक सह छिड़ाई आगामी निर्वाचन को मास कईटा थे भी समस्त राजनैतिक दल को एकाठी करिछि पुलवामा आतंकी हमला एभली जघन्य कांड कटाइथिबा आतंकवादी संगठन को दृढ़ जवाब देवाई केन्द्र सरकार समस्त निष्पत्ति को समर्थन जनवाक आग को बाहरी जातीय और आंचलिक राजनैतिक दल सेपरि विश्व दरबार में पुलवामा आतंकी हमलार दृढ़ निंदा कर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद जघन्य कांड को आमेरिका ठार आरंभ कर चीन पर शक्तिशाली देश कड़ा निंदा कर शहीदों के प्रति भारतीय जनता पार्टी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हम सब सर झुका करके अपने वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। बंधु ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए चंद मिनटों का विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द करती है। पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी के आज के तमाम राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उनकी आज दो रैली थी, उड़ीसा में रैली था, छत्तीसगढ़ में उनकी रैली थी, आज दोनों ही रैली रद्द किए गए हैं। पूरी पार्टी आज शहीदों के साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके भी जो राजनीतिक कार्यक्रम थे, इटारसी में आज रैली होनी थी, वो रद्द कर दिए गए हैं। किंतु एक संदेश भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहती है कि राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए गए हैं क्योंकि हम क्षुब्ध हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, किंतु देश के विकास के काम और गति से चलेंगे। पुणी फेरवा से खबर को पुलवामा आतंकी हमला नहीं प्रेस मीट कर कांग्रेस आतंकवादी आक्रमण को निंदा करी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहते कौन भी देश को विभाजन करेश को बांटा आतंकवादी लक्ष्य भारत आत्मा उपर हो आक्रमण राहुल कहते आम सेना और सरकार अच्छु सरकार जो निष्पत्ति ने समर्थन करूँ आतंकवादी विरुद्ध कड़ा कार्यानुष्ठान उचित आम बर्तमान शहीद परिवार ढड़ा हो पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते आज देश दुखर दिन यह आक्रमण सारा देशर होपटे पुलवामा आतंकी आक्रमण पर मोदी अध्यक्षत कैबिनेट सुरक्षा कमिटी बैठक शेष हो सरकार कड़ा आभिमुख्य रखिता बैठक पर जेटली कहते जो जवान मैंने शहीद होती से नहीं देश गर्व करुच्छे अंतर्जात स्तर में पाकिस्तान को एकघरिया करूँ बैठक होता समस्त निष्पत्ति गणमाध्यम सब कथा कही जेटली कहते यासह भारत सरकार पाकिस्तान को सर्वाधिक अनुगृहित राष्ट्र बोली कहिथवा मान्यता अनुगृहित करनेथिला जेटली कहिछन्ति इज ए टेरिबल ट्रेजेडी एंड दिस टाइप ऑफ वायलेंस डन अगेंस्ट द मोस्ट वैल्यूएबल मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियंस हु आर आवर soldiers who are our security forces is absolutely disgusting. I want to make it very clear that the aim of terrorism is to divide this country, and we are not going to be divided for one second. No matter how hard people try, this country and the entire opposition is going to stand together. We are going to stand with our jawans, and we're going to stand with the government. This is the time of mourning. This is a time of sadness. This is a time of respect. We are fully supporting the government of India
and our security forces. We are not going to get into any conversation other than the fact that our most beloved people have been killed, their families need us, and we are going to stand with them. पुणि फेरवा से आक्रमण घटना को जम्मू काश्मीर पुलवामा सीआरपीएफ जवान को ऊपर होइतबा आतंकवादी आक्रमण रे केंद्र रे मोदी सरकार को तरफ रु बड़ निष्पत्ति ने जाय छि। शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपस्थिति रे सुरक्षा मामला रे निया जायतबा केंद्रीय कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति निया जाय छि जे पाकिस्तान रु मोस्ट फेवर्ड नेशन रे सम्मान पुनश्च फेराय ने जाय छि। गुरुवार पुलवामा रे होइतबा आक्रमण रे 37 जवान शहीद होय जाय छेंती। आतंकवादी आक्रमण परे देशवासी एबे रक्त चाळो चबाउ छेंती। सीसीएसर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छड़ा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री अरुण जेटली गृहमंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सामिल होते बैठक में बड़ बड़ निष्पत्ति जमीती पाकिस्तान रो मोस्ट फेयर नेशन रो सम्मान पुनः फेराई नि जाए अर्थात एवं पर्यटन भारत सह पाकिस्तान को ट्रेड करने सुजोग मिलता बंद हो विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पाकिस्तान को अलग करने सब देश कथबार्ता कर दुनिया सामने पाकिस्तान आतंकपरस्ती चेहर पर्दाफाश करपरी 1986 भारत संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद परिभाषा को बदल प्रस्ताव दिज्व यह प्रस्ताव को पास करने संपूर्ण चेष्टा प्रस्ताव को पास करवा अन्य देश चाप प्रयोग गृहमंत्री राजनाथ सिंह शनिवार सर्वदलीय बैठक करेंगे। यह बैठक में राजनाथ सिंह विपक्ष पार्टी सह विस्तार भाव में आलोचना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद विपक्ष में खोला चैलेंज करते आतंकवादी बहुत बड़ भूल करते से सेना को मध्य खोला छाड़ी देखते जेटली एवं निर्मला गणमाध्यम सह कथबार्ता करूँ। सीसीएस बैठक में अर्थमंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण एने गणमाध्यम को स्पष्ट कर अरुण जेटली कहते बैठक में पुलवामा आक्रमण समीक्षार चर्चा होता बैठक में 2 मिनिट्र मौन रखा जाता है। से जो जवान मैंने देशपाई जीवन देखते देश सलाम और गर्व करुच्छ विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पाकिस्तान को अलग करने सब संभावित पदक्षेप नि बैठक में नि सब निष्पत्ति को प्रकट कर। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है, देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। सेपरी काश्मीर पुलवामा रे सीआरपीएफ जवान को ऊपर हुई आक्रमण को शुक्रवार अमेरिका निंदा करी एवं सब देश आतंकवाद को सुरक्षा देवा समर्थन न देवा पाई अपील करी। आक्रमण पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद तरफ रही जो
37 रु अधिक जवान शहीद होती संगठन आत्मघाती आतताई पुलवामा सीआरपीएफ जवान एक बस में विस्फोरक वाहन नहीं पिटीते जहाद्वारा जवान शरीर छोट छोट टुकड़ा हो रास्ता सारा बिछे पड़ता आक्रमण को आमेरिकार वैदेशिक मंत्रालय निंदा करता बेले एक बयान जारी करोर कहुई आतंकवाद मुकाबला भारत सरकार आमेरिका सब बेले रही शहीद जवान परिजन प्रति संवेदन व्यक्त कर आमेरिका विदेश मंत्रालय उप प्रवक्ता रॉबर्ट पेलाडिन कहते जम्मू काश्मीर सीआरपीएफ जवान आक्रमण को आमेरिका दृढ़ निंदा कर सुरक्षा मामलें कैबिनेट कमिटर बैठक आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह सीआरपीएफ डीजी कथबार्ता हो जो से घटनाक्रमे आलोचना करेंगे। जर्मनी कंडेम्स terrorism in all its forms. We are gravely shocked and deeply saddened by the tragic victims that happened to our Indian friends. We mourn with the victims and our thoughts are with the family of the victims. Germany stands by its strategic partner India. The German government has been crystal clear in this respect last night. Eventually, as we all know, there can only be a political solution to the conflict. जम्मू काश्मीर पुलवामा रे आतंकवादी आक्रमण पर सारा देशवासी रक्त एवं टकटक हो फुटुची लोकों मन में प्रतिशोधर बनी समस्त मुहर गोटे कथा आक्रमण प्रतिशोध दरकार माँ मटी जीवन दे जवान को न्याय मिलू आतंकवादी सुनेह विश्व लोकों जी क्रोधान्वित अच्छा सुरक्षाकर्मी आक्रमण प्रतिशोध नापी से प्रस्तुत अच्छा सीआरपीएफ ट्वीट जरिया कहते हैं जघन्य अपराधर प्रतिशोध निश्चित भाव निया एक घटना को केबे भी भूली ना ना क्षमा करू पुलवामा आक्रमण में शहीद को और शहीद परिवार को सलाम करने सब बेले पाखे ढड़ा होपटे सुरक्षाकर्मी मोदी सरकार हलाबोल स्थित अच्छा प्रधानमंत्री कहते सेना को कार्यानुष्ठान पूर्ण स्वाधीनता दि जाएगी प्रधानमंत्री कहते सेना को कार्यानुष्ठान पूर्ण स्वाधीनता दि जाएगी आतंकवादी मैंने बड़ भूल कर देश संपूर्ण भाव यह प्रसंग एक्जुट रही यार दृढ़ जवाब दिज्व पाकिस्तान उपरे जोरदार बर्षि कहते आतंकवादी को निज माटी में प्रशय देखा पाकिस्तान यार परिणाम भोग भारत हिंसा सृष्टि करने को चेस्टा कर पाकिस्तान केवे लक्ष्य सफल हो विकास पथर बढ़ी चली भारत तो आगक बढ़ी चलो सेपरी आतंकवादी मूलपोछपी विश्वर अन्न राष्ट्र को देखते आह्वान कहते समस्त एकजुट हो लड़िले विश्वर आतंकवादी मूलपोछ हो Cabinet Committee on Security met under the chairmanship of the Honorable Prime Minister to take an assessment and discuss the incident that took place in Pulwama yesterday, in which a large number of CRPF personnel sacrificed their lives. The CCS observed 2-minute silence in the memory of those who laid down their life by making the supreme sacrifice for this country. It placed on record its deep gratitude of the whole nation to those who have made this sacrifice. कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में यहाँ सीआरपीएफ के जवानों पर जो अति दुखद व अति कष्टदायक एवं दिल को दहलाने वाला बड़ा ये आतंकी हमला हुआ है जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं और जिसकी खबर मिलते ही फिर कल से पूरा देश बहुत ज़्यादा गम में है व काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी है। इस हुई अति दर्दनाक व अति चिंताजनक आतंकी घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ ही इस दुख व गम की घड़ी में शहीद हुए परिवार के साथ भी खड़ी है। इसके साथ ही इस घटना को अति गंभीरता से लेते हुए हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से वह खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी
ये विनम्र अनुरोध करती हैं कि वे ऐसे विकट के समय में अपनी केवल आज के ही नहीं अपने केवल आज के ही नहीं बल्कि इस घटना से जुड़े इसके वास्तविक तारों तक पहुंचने तक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करके और साथ ही अब अपने चुनावी स्वार्थ व द्वेषपूर्ण राजनीति को भी बंद करके तथा दुनिया के खासकर सभी शांति व अमन पसंद देशों को भी साथ में लेकर अब इनको इस समस्या से निपटने के लिए इसका कोई ना कोई स्थायी हल जरूर निकालना चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकत पे है, भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए उनकी कोशिश हो रही है। काल एक दुखद घटना हुई है, सारा देश उस बलिदान को मन से आदर करता है, मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। आज हम लोग माँ समले के पास आके दीप दान करके ऐसे शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दिया। इन शहीदों की श्रद्धांजलि देश के लिए हुई है, देश उनके पास कृतज्ञ रहेगा और उस बलिदान कभी व्यर्थ नहीं होगा। भारत हमारी शत्रुओं को उचित जवाब देगी। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए, लेकिन 7x7 इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके किसी को गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? सर, दो देशों के रिश्ते में खटास फैलने से पहले देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे? नहीं, मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए, प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके उसका जरूर उपयुक्त जवाब मिलेगा, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। और जो भी परिवार है, परिजन है, वे सभी तो अब शहीद हो गए जो मारे गए हैं सीआरपीएफ के जवान, और उनके परिवार के प्रति हम सब अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और पूरा देश एकजुट है और उनकी शहादत नाकाम नहीं होगी। उनकी शहादत का जरूर उसका जो उत्तर है वो जरूर ये देश देगा, मुझको इसका पूरा पता। क्या लगता है कि इससे इतना काफी है? MFN स्टेटस वापस लेना एक इमीडिएट टैक्टिकल कदम था, आवश्यक और बड़ा कदम था, उसको उठाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम दी गई है कि स्ट्रेटेजिकली जो भी कदम उठाना है वो उठाए। हमारा विदेश मंत्रालय दुनिया भर के देशों के साथ लेकर पाकिस्तान पर प्रेशर लाने का भी कदम उठाएगा। डिप्लोमेटिकली भी स्टेप्स लिए जाएंगे, कुछ टैक्टिकल मेजर्स, कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स, कुछ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स होंगे। कुछ कड़ा मैसेज जाएगा जैसे उड़ी के बात किया था? तो जरूर जाएगा, जरूर। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक तो 30 करोड़ जनता की भावनाओं को हमारी सरकार समझती है, जो हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना है और उन जवानों की जो शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पुणि फेरिबा से खबर को, काश्मीर पुलवामा में सीआरपीएफ जवान को ऊपर हुई आक्रमण में मात्र किसी मिनट पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ए आक्रमण में निजी दायी करी जैसे काफिले ऊपर फिदायन आक्रमण कर आतंकवादी आदिल रो वीडियो एबे वायरल होछि। वीडियो रे दक्षिण काश्मीर काकपुरारे रहुथिबा बकास देश तथा आदिल रो पताका आगरे बसीथिबा देखा दिछि। ए आतदाई आगरे ग्रेनेड तथा अत्याधुनिक राइफल मध्य रखा जाइछि। वीडियो रो आरंभ रे ए नरसहारी कहुछि जेते बेले पर्यंत ए वीडियो आपनक पाखरे पहुचिबो सेबे मु स्वर्ग रे रही हसुथिबो एवं आपण माने कांदुथिबे। मु जैश ए मोहम्मद आतंक रूपे एक वर्ष काल रहिली एवं ए संदेश मोर काश्मीर लोकंक पई अंतिम संदेश। आदिल वीडियो रे कहुछि जे जैश संगठन आगर मध्य भारत उपरे आक्रमण करिछि
जेभली विमान अपहरण 2021 संसद आक्रमण नगरोटा आक्रमण उरी आक्रमण और पठानकोट एयरबस आक्रमण से उत्तर काश्मीर लोक घुसकाय कहुए दक्षिण काश्मीर लोक मैंने भारत विपक्ष में लड़े करुँचे उत्तर और मध्य काश्मीर सह जम्मूर लोक मैंने भी लड़बार समय आसी वीडियो आदिल कहे आमर किसी कमांडर को मारी तुम्हें आमको दुर्बल करना पुलिस सूत्र जमापड़े आदिल हुसैन तार 19 मार्च 2016 पुलवामा गुड़बांग्रु गायब हो जाता तार दुई बंधु तोसीफ और ओसीम गायब हो जाते तोसीफ्र भाई भी जड़े आतंकवादी थे जार 2016 मसीह मृत्यु होता हिंदुस्तान को गौर से सुनो और खूब जान लो हम तुम्हारे साथ ऐसे आहनी हाथों से निमटने वाले हैं जिसका सामना करना के बस की बात नहीं हम माजी में भी तुम्हें ऐसे गहरे जख्म दे चुके हैं जिनका भरना नामुमकिन है IC-814 की हाईजैकिंग से लेकर तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मुशरिकों के सरों से बेजे आजाद करने तक बादामी बाग के फिदायीन धमाकों से लेकर टंगडार और नगरोटा के जलते हुए कैंपों तक पठानकोट एयरबेस से पुलवामा पुलिस लाइन्स तक श्रीनगर एयरपोर्ट के पास वाकिया BSF कैंप की तबाही से लेकर हमारे जांबाज स्नाइपर्स की गोलियों से छलनी तुम्हारी खोपड़ियों तक और बड़े बड़े आईडी ब्लास्ट से तुम्हारी गुरूर की अलामत समझे जाने वाली कैस्पर्स की तबाही से लेकर तुम्हारे अफसर्स की टारगेट किलिंग तक बहुत सारे ऐसे डरावने ख्वाब हैं जो तुम्हारी नींदें हराम करते रहेंगे इंशाअल्लाह हम तुम्हारी मिन्नत नहीं करते कि जुल्म बंद करो और न ही तुम्हारे आगे रहम की भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं बल्कि तुम्हारे इस जुल्म से हमारे जिहाद को और कुवत मिल रही है और हम हाथ जोड़ने के बजाय बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों को बजौरी जिहाद तोड़ फेंकेंगे जिनसे तुम इस्लाम की मुकद्दस इमारत को गिराने के नापाक ख्वाब देखे बैठे हो हम पे ये कर्ज था कि हम फिदाई ने जैश मोहम्मद अपनी तारीख दोहराते हुए अपना खून पेश करके तुम्हारी आर्जी खुशियों और खुशफहमियों को मिट्टी में मिलाकर तुम्हारे घरों से लेकर तुम्हारे शिरक के ऐवानों तक मातम बरपा कर दें अभी सिर्फ मैंने अपने हिस्से का कर्ज और फर्ज अदा किया और मैंने अपनी जान का नजराना पेश करके उम्मत का सर फिर से बुलंद कर दिया और मुझ जैसे हजारों अब भी तुम्हारी तबाही का सामान किए अपनी मंजिलों को पाने को बेहतर ओडिशा प्राइम बुलेटिन रे समय पे ब्रेक रहा।